हेलो एवरीवन वेलकम टू इकनॉमिक्स मैशन सो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमने बेसिक्स देख लिए थे व्हाट आर द बेसिक्स व्हिच आर रिलेटेड विद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स अब इसमें मेथड लगाते हैं देयर आर टू मेथड वन इज ग्राफिकल मैथड अनादर इज सिंप्लेक्स मेथड इस वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट द ग्राफिकल मेथड सो दिस वॉज अ क्वेश्चन की फॉर्म जो है वो मैन्युफैक्चर करती है दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट ए और बी और सेल करती है उसको प्रॉफिट पे एट रुपीज़ वन एट प्रोडक्ट वन एंड दूसरे पे रुपीज़ थ्री ऑन टाइप टू के ऊपर और हर एक प्रोडक्ट जो कि प्रोसेस होता है दो मशीन के ऊपर एक का एक वन मशीन इज जी इन अदर इज़ एच जो टाइप ए है वो रिक्वायर करता है एक मिनट अगर उसे हम जी मशीन से प्रोड्यूस करते हैं सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट दस दूसरा मशीन दैट इज़ अगर हम उसे जी ए, जी की बजाय एच वाली मशीन से प्रोड्यूस करते हैं तो दो मिनट लगते हैं ठीक है टाइप बी जो है वो रिक्वायर करता है एक मिनट जी के ऊपर अगर प्रोड्यूस होता है और टाइप दूसरा वाला आ, बी का ही टाइप प्रोड्यूस हो रहा है बट अगर हम उसे एच से प्रोड्यूस करते हैं तो सो इन दैट केस तब भी एक मिनट लगता है सो मशीन जी जो है दैट इज़ अवेलेबल नॉट मोर देन सिक्स आवर्स फोर्टी मिनट्स वाइल मशीन एच जो है दैट इज अवेलेबल फॉर टेन आवर्स ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे सो अब आउटपुट कॉम्बिनेशन जहाँ पे फॉर्म जो है वो चूज करेगी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हाउ वी हैव टू एग्जैक्टली सॉल्व तो इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिट्स अगर x1 वन यूनिट प्रोड्यूस करना ऑफ टाइप ए एंड एक्स टू यूनिट फॉर टाइप बी दैट कैन बी प्रोड्यूस सो प्रॉफिट जैसे कि हमने बात करी थी अगर ए प्रोडक्ट प्रोड्यूसर उसको टू रुपीज़ हो भेजेंगे टू एक्स वन एस ए बी का थ्री एक्स टू प्रॉफिट कैसे होगा दैट इज टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू टोटल प्रॉफिट इतना होगा कंस्ट्रेंट था जी के ऊपर कि टाइम रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट ए के लिए वन मिनट था टाइम रिक्वायरमेंट बी के लिए वन मिनट का था तो वन एक्स वन एंड वन एक्स टू तो मशीन अगर जी का देखेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू और वो सिर्फ फोर हंड्रेड मिनट्स के लिए अवेलेबल है इसको आर्स में था विफ कन्वर्टेड दिस इन टू मिनट्स दैट इज़ फोर हंड्रेड ऐसे ही मशीन जी का टाइम रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट ए इज़ टू एक्स वन एंड टाइम रिक्वायरमेंट फॉर बी इज़ वन एक्स टू जिसको अगर हम प्लस करेंगे तो उसके लिए सिक्स हंड्रेड मिनट्स अवेलेबल हैं अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स ठीक है सो जैसे कि हमें पता है प्रॉफिट का जो फंक्शन है दैट वी रिटर्न टू एक्स वन थ्री एक्स टू ठीक है जहाँ पे मशीन्स का जो आर्स है दैट इज अवेलेबल दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए फोर हंड्रेड मिनट्स एक एच है और एक जी है ठीक है सो so, uh, यहाँ पे अगर आप ज़ीरो डालोगे तो फोर हंड्रेड मिल जाएगा अगर इसको ज़ीरो डालोगे तो दूसरा फोर हंड्रेड मिल जाएगा ठीक है सिमिलरली इस वाली इक्वेशन में एक को ज़ीरो डालना एक्स वन को ज़ीरो डालोगे तो यहाँ सिक्स हंड्रेड मिल जाएगा एक्स टू को ज़ीरो डालोगे तो यहाँ थ्री हंड्रेड मिल जाएगा ठीक है सो वी प्लॉटेड दिस जहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया बेसिकली ऐसे प्लॉट किया आई जस्ट डू इट वंस अगेन यहाँ पे जो हमारा एक था दैट इज़ फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड कर दिया एंड और दूसरा जो था दैट इज थ्री हंड्रेड सिक्स हंड्रेड ठीक है सो दिस इज थ्री हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एंड दिस इज फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमटेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको टू हंड्रेड टू हंड्रेड इसका बीच का पॉइंट मिल जाएगा द पॉइंट दैट दोनों के इंटरसेक्शन से साइमटेनियसली सॉल्व करके मिलेगा दैट इज़ टू हंड्रेड टू हंड्रेड तो आपको सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होंगे दिस इज़ फोर हंड्रेड कौन सा ज़ीरो फोर हंड्रेड ठीक है 0, 400, और दूसरा क्या होगा ये दिस इज़ थ्री हंड्रेड कॉमा ज़ीरो ठीक है दैट इज़ द अदर पॉइंट ये ज़ीरो ज़ीरो हो गया और ये जो बीच का पॉइंट है दैट इज़ टू हंड्रेड टू हंड्रेड तो ये पूरा फिजिबल एरिया हो गया मेरा ठीक है so, सो फिजिबल एरिया में अब आपको एक्जैक्टली exactly करना क्या है ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू तो आप में ये आपको यही वैल्यूज डालनी है जो एक्स वन एक्स टू की वैल्यूज़ है पहला जब ओरिजिन ज़ीरो जीरो है तो दोनों में जीरो जीरो डालोगे तो ज़ीरो आ जाएगा और जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी ऐसे ही आपको थ्री हंड्रेड और जीरो डालना है एक्स वन की वैल्यू थ्री हंड्रेड है एक्स टू की ज़ीरो है तो ये सिक्स हंड्रेड हो जाएगा इसमें फिर से आप टू हंड्रेड टू हंड्रेड दोनों में डालोगे तो फोर हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड इज़ थाउजेंड नाउ अगेन ज़ीरो और फोर हंड्रेड है तो जीरो एक्स वन की वैल्यू और एक्स टू की वैल्यू फोर हंड्रेड तो फोर हंड्रेड इंटू थ्री इज ट्वेल्व हंड्रेड तो प्रॉफ़िट कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ हो रहा है इज़ एट दिस पॉइंट ठीक है आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा द एल पी बी प्रॉब्लम ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय